दोस्तों, ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाएंगे आप? जैसे मैं कहूं कि वह शादी में लगा हुआ है, वह अपने काम में लगा हुआ है, वह पढ़ाई करने में लगा हुआ है। तो दोस्तों, लगा हुआ है के लिए हम इंगेज्ड इन का यूज करते हैं। तो चलिए, सेंटेंस को बनाने से पहले हम स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं ताकि सेंटेंस को बनाने में आसानी हो। इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम इंगेज्ड इनका यूज करते हैं, और उसके बाद वो जिस भी वर्क में लगा है अपना मेन वर्ब रख देते हैं। चलिए, एक सेंटेंस बना के हम देख लेते हैं ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है और भी क्लियर हो जाए। सुबह पढ़ाई में लगा हुआ है, ही इज इंगेज्ड इन स्टडी, और हमारा सेंटेंस पूरा होता है।